बीजेपी यानी विपक्ष चाहे 50 दल हो जाइए होगा ट्रेन, लेकिन मोदी के सामने एक नहीं टिकने का, सीधी सीधी बता रहा हूँ बात। चेयर पे बैठ गए, अब की बार तो कुर्सियां भी बढ़ा दी, चाहे 50 कुर्सी बैठा दे, केला कर देगा ढेर केला। अरे मैं मुस्लिम हूँ, जी भी मेरा यकीन ऐसा है कि सबको ढेर कर देगा बिल्कुल। अच्छा, केला मोदी बस। अच्छा। उसकी सोच, उसने देश को कितनी ऊंचाई पर लेकर गया हो, उसे सोच लो आप। वाला लेके जाता है तो वो नहीं कमा रहे, रुको, तुम्हारे 8 रुपए लेके जाता है, 8 रुपए लेके जाता है। टमाटर 120 रुपए किलो, सिलेंडर 1200 रुपए का, 8 रुपए में क्या था, 500 रुपए में कमाता था वो पहले, रोज डेली 500 रुपए कमाता था। 5 रुपए किलो टमाटर, 420 रुपए सिलेंडर, जो सब्सिडी हुआ आदमी को, तो क्या सिलेंडर लेना बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में, मेरा नाम है सार्थक शर्मा। 2024 को लेकर धीरे धीरे बातें चलनी शुरू हो गई हैं और विपक्ष ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन इस समय मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे ही जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं 2024 में आखिरकार होने वाला क्या है। ये भाई है, भाई क्या नाम है? अभिषेक चौहान। अभिषेक चौहान कहाँ के रहने वाले हैं? जसाड़ा शामली भाई। शामली के रहने वाले हो, तो शामली में भाई क्या होने वाला आपकी बार? शामली में आपकी बार हम अपने मनीष भाई को उठाएंगे। अच्छा। और उनके पूरे समर्थन में हम। अच्छा जी भाई। पर प्रदीप चौधरी है वहाँ के सांसद, उन्होंने कुछ करा नहीं? अरे वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वैसे भी हमारे गांव में ऐसा कुछ है नहीं जो करने के लिए। हमारे जो मंत्री अविरेंद्र सिंह जी, उन्होंने हमारा गांव जो है संपन्न कर रखा है हर तरीके से। अच्छा जी, तो सारी सुविधाएं मिलगी तुम्हें? जी हाँ, सब सुविधाएं हमारे गाँव में। तो प्रदीप चौधरी मिले तो होंगे आओके? नहीं, एक बार भी नहीं आया हमारे गांव में कोई प्रदीप चौधरी। हम भी नहीं आज तक, नहीं हमने देख के भी नहीं सही से कौन है प्रदीप चौधरी, कोई जानते नहीं हमारे जितने भी साथ के है। अच्छा जी, अभी देखे नहीं मतलब? नहीं हमने देखे नहीं। वोट तो मांगने आओगे तुम्हारे गाँव में? हमारे गाँव में कोई वोट मांगे, हमारे गाँव में जो मंत्री जी है उनके सामने आओगे क्या वोट मांगने हुए? नहीं तो बताओ आप। अच्छा जी, अब की बार मनीष चौहान लग रहा जी, ऐसा क्या कारण है मनीष चौहान में? ऐसा कौन सी आपको सुविधा ऐसी उनके साथ लगी कि आप उनके साथ पूरे मतलब जो हमारे है तो हम उनके समर्थन में होंगे तो कौन होगा उनके समर्थन में? अच्छा जी, तो मतलब उनके समर्थन में जी, हम पूरी तरह से उनके समर्थन में है, पूरी तरीके से उनके समर्थन में है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद राकिब है भाई। कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर का। सहारनपुर के ये भाई देखो, इनकी मुस्कुराहट बढ़िया है। नु बताओ 2024 में क्या होगा? 2024 में जो पीछे होता है रहा वही होगा, दोबारा बीजेपी, दोबारा बिल्कुल तिबारा बीजेपी यानी विपक्ष चाहे 50 दल हो जाइए होगा ट्रेन, लेकिन मोदी के सामने एक नहीं टिकने का, सीधी सीधी बता रहा हूँ बात। चेयर पे बैठ गए, अब की बार तो कुर्सियां भी बढ़ा दी, चाहे 50 कुर्सी बैठा दे, केला कर देगा ढेर केला। अरे मैं मुस्लिम हूँ, जी भी मेरा यकीन ऐसा है कि सबको ढेर कर देगा बिल्कुल। अच्छा, केला मोदी बस। उसकी सोच, उसने देश को कितनी ऊंचाई पर लेकर गया हो, उसे सोच लो आप। सारा देश बेच भी तो दिया, बेच दिया को, क्या बेच दिया इनका? अडानी को दे दिया। हाँ अडानी को दे दिया, अडानी अपना ही जान बचा लो। अडानी को दे दिया कहिए, उन्होंने देश को बना दिया, इसे देश को बनाया दिया भाई मोदी ने। अच्छा समझ गए? नहीं, यहाँ क्या था, क्या था यहाँ, क्या ताकत थी भारत के पास जो मोदी ने ताकत क्या दी? मोदी ने वो चीज दे दिया, किसी के कोई भी नजर उठाने की हिम्मत नहीं करता जी। अच्छा। वो है मोदी, समझ गए? नहीं वो नहीं है, चीन अंदर आ गया सारे में, चीन तो था, चीन तो भीतर बढ़ गया, ज्यादा चला था वही बढ़ गया भीतर, चीन को छोड़ रहा गया वो। 16 रुपए ला लिए और 16 रुपए हो रहा है, देखे क्या करेगा, उसका हाल बेकार कर देगा बिल्कुल। राहुल गांधी बनने वाले अब की बार प्रधानमंत्री, भूल जाओ, झंडे उड़ाता भी रहेगा राहुल गांधी, टिकने का भी नहीं। कहाँ है, कहाँ खा रखी तुमने? राहुल गांधी टिकने का भी नहीं। अच्छा हाँ, ऐसा तब मैं क्या दिख गया बीजेपी में? ऐसा है, मेरी बात सुन ले, बीजेपी के सामने नहीं टिकने का कोई भी। अच्छा। बीजेपी की तो विचारधारा ही बढ़िया है, समझ। इतनी बेरोजगारी कर रखी, नौजवान भागे फिर बेरोजगारी को देख रहे हैं, बेरोजगारी तो आदमी जो करने खाने वाला है उसे बेरोजगारी नहीं है। हम तो मजदूरी करने वाले आदमी, हमें क्या बेरोजगारी, जो हम तो अपने हाथ पेल रहे, हमें क्या बेरोजगारी, वो करने वाले आदमी के लिए बेरोजगारी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, समझ। नहीं ना करो को दिक्कत है, कह रहा विपक्ष बीजेपी ने तो नु कह देता पकोड़े तलो, बीसीए कर रखी, बीबीए कर रखी, अपनी रेडिया लगाओ उस पर काम करो। किन्न कहा बात बीजेपी ने, कही बात बीजेपी तो कह नहीं सकती, वो तो शिक्षित लोगों को आगे बढ़ा रही, वो तो अनपढ़ लोग तो पिछड़े ही मारे बाकी। अरे तो सब बेच दिया, सारी सरकारी वो करके प्राइवेट दिया, क्या बेच दिया, क्या बेच दिया, खत्म कर दी गुंडा कर दी, खत्म कर दी, पुल काट दिए, तो देख लो है, मैं नहीं मैं तो रात मई ठोका जेल मई जेल में ठोका गुंडे योगी बेतो थे बुलडोजर के नीचे और भी जाएंगे, देखते रहियो। अरे योगी की सरकार आनी है, योगी हटने का नहीं। अच्छा हाँ, इस बात के हम बीजेपी अब की बार मोदी जाने वाला, अगर मशीन भाई जी मोदी हर बार घपला करता है, अरे हर जगह, अरे ये वोट जी इसमें कई जगह ये
तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं, ये कह रहे बीजेपी तो घपला करती है। क्या कर दिया घपला, क्या कर दिया घपला, कर दिया भाई मशीनों में घपला, मशीन में पेटे नदियों में पड़ी वो घपला, वो पेटे में चाचा राम था राम था राम था। नो बताओ बिल्कुल समाजवादी जीत रही थी, सकल जीत रही थी, ठीक कर दिया। पहले चोरी बदमाशी होती है, अब तो नहीं हो रही, अब तो वोट ठीक कर दिया। पहले चोरी बदमाशी होती, डकैती होती, पहले ऐसा क्या हो रहा था, पहले चोरी बदमाशी खुलेआम होती, अरे होती नहीं है जी। बताओ क्या पूछ रहे, पहले नु कह रहे पहले चोरी बदमाशी हुआ करती थी, अब भी हो रही। मेरे भाई सूखी रोटी खा लेंगे मगर बीजेपी को जिताएंगे, हम तो सूखी रोटी खा लेंगे बीजेपी को जिताएंगे। ऐसा क्या दे दिया बीजेपी ने, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो सबके साथ सबका विकास चाहिए। अच्छा वो हो रहा तो कहाँ हो रहा विकास, टमाटर इतने ऊपर जा रहे 200 के आसपास पहुंच गया आम आदमी का, ये कुदरती मार, ये कुदरती मार है, इसे तो कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारे घर में पानी भर जाए हो जाएगा, तुम भी सरकार से उगाल लो, 1-1 लाख रुपए देगा किस सरकार ने, तो बताओ जो ये आपदा आई थी 1-1 लाख रुपए दिया उनने, अगर कोई और देता हो तो बताओ, उनने हेलीकॉप्टर से सारे क्षेत्र का वो करा, कोई और करता हो तो बताओ। कांवर यात्रा ने सुनो, कांवर यात्रा सुख शांति से निकल ली, इससे पहले निकली हो तो बताओ। मतलब अब कह रहे हैं भेदभाव बहुत हो रहा है सरकार में, मुस्लिम के साथ हिंदू के साथ भेदभाव। भाई कोई मुस्लिम है, कोई मुस्लिम है, तुझे क्या प्रॉब्लम बता भाई, पढ़ाई करिए भाई, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। बस राहुल गांधी कह रहे हैं, वो डर कह रहा है, क्यों डर रहा, क्यों डर रहा, गलत काम करने वाला डर रहा, सही काम, ये कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। अच्छा जो गलत करेगा वो डरेगा, हम भाई हैं, जिसने गलत करा उसी पर चल रहा काम, चल रहा नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो बताओ हमारे पर क्यों मुकदमे दर्ज हो रहे, कि मैंने कुछ करी ना, क्या कह रहे, एक तरफा बुलडोजर भी तो चल रहा मुसलमानों के, हिंदुओं में चल रहा, सुनो मुन्ना हिंदू था, किसी भी मजहब का था, मारा मुन्ना बजिंग हिंदू था, मारा अतीक अहमद और वो क्या बेक है, पंडित नहीं था, जो सबके साथ है वो हमारे साथ है, अगर हम गलती करेंगे तो हम भी सजा लेंगे उस बात की। अच्छा हाँ, मतलब एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो दोबारा रिटर्न आ रही है, अरे मैं छाती ठोक के वोट मारूंगा यार, छाती ठोक के बोलूंगा, और बता यूपी में 80 पूरी पूरी 80 पूरी 80 जीरो होना सब जीरो, मतलब हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक नहीं छैट्रिक लगेगी। अच्छा क्या नाम है, रविंदर कुमार जी, रविंदर कुमार कौन आ रहा आपकी बार, अब क्या मोदी सरकार, मोदी ऐसा क्यों अजी, बहुत गरीब तो परेशान है, अजी गरीब परेशान नहीं है, गरीब तो ऐसा खुश है, हम टेम्पो चलावे जी, रिक्शा चलावे, हम कोई से भी कोने में चले जाऊं, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, चाहे जंगल में भी चले जाएं, सवारी को लेके कोई परेशानी नहीं है, ऐसी सरकार तो कभी आई ना आएगी, गुंडा पहले से था, बिल्कुल खत्म, पहले इतना बुरा हाल था, इतनी सरकारें आई इतनी गई, ऐसी सरकार ना आई ना आएगी। अच्छा। पहले से मजदूर का हाल था, मजदूरी करके निकलता था, शाम को उसका सामान ही पैसे भी सब छीन लेते थे, वो घर तक ऐसे जाता था जैसे नंगा हो करके, अगर कोई व्यापारी हो उसके जी से पूछना, वो रात को 10 लाख भी लेके जाओ सेब पहुँचेगा, हाँ चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, जो भी आतंकवादी है उसका कोई मजहब नहीं है। अच्छा अगर है तो बताओ, अब मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत। अनस अनस भाई इधर आओ, तुम तो नौजवान हो, रोजगार मिला नहीं मिला, ये लो ये तो भाग गए एकदम, नहीं ठीक है जी, करने वाले की कम होती है, मैं एक मिनट मैं दूंगा, घर बैठे कौन रोजगार देगा, आज से पहले मात्र वो वाले रिक्शे चलते थे, अब ई रिक्शा आ गई, आ गई ना, और हर घर में ई रिक्शा होगी, जो भी गरीब है नहीं है, वो मोदी तो नहीं चला रहा ना योगी चला रहा, चला तो आम आदमी रहा है, तो वो उसके घर का पैसा मोदी थोड़ी लेने जा रहा है, खा तो उसके घर में ही रहा है, दिक्कत तो हर जगह होती है, अगर हम रोड पे चल रहे हैं, अगर हमारी चोट लग जाए हम कहते हैं मोदी ने लगवाए, तो वो तो गलत है ना, वो गलत है, वो गलत है। अच्छा क्या नाम है भाई, मुजीब रहमान, मुजीब रहमान क्या लग रहा है बीजेपी ने कुछ बेहतर किया 10 साल में या नहीं, बेहतर तो क्या है वैसे, लेकिन
भाई क्या, भाई की बात आराम से सुन लो सभी। जी भाई बताओ। बेहतर तो क्या है लेकिन इतनी महंगाई तो कुछ ज्यादा बढ़ गई है ना आज के टाइम में। मेरे भाई पाकिस्तान में जाके देखो ना, महंगाई ज्यादा है। मजदूरी करते हैं 500 रुपए मजदूरी की है। 500 रुपए बंदा क्या करेगा, आटा लेगा, आटे की थैली आ गई 250-300 रुपए की। अच्छा, एक तेल की शीशी आ गई 500 में क्या बन रहा है? कोई आप स्टूडेंट है क्या? स्टूडेंट है। अच्छा, अगर जो मैं शिक्षा की बात करूं, बीजेपी का कहना है शिक्षा का स्तर हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, पहले ऐसा शिक्षा का स्तर नहीं था, तो आपको क्या फर्क दिखाई दिया पहले में और अब में? नहीं, पहले में तो फर्क है लेकिन बात तो फिर वही है ना, महंगाई के ऊपर। महंगाई है ना, महंगाई तो सारी वही है ना। मेरी बात सुनो जी, श्रीलंका गए थे देश बर्बाद हो गया, पाकिस्तान गए थे बर्बाद हो गया ना, बात तो भाई यहाँ होगा बीजेपी के राज्य में होगा क्यों नहीं होगा? उस टाइम पे रुको, जब जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, समझदार रानी 420 सिलेंडर सर पर रखकर नाच रही थी, जिसमें सब्सिडी वापस थी। अब कहाँ पे समझदार रानी कहाँ पे है? आबादी रोकी है, आबादी रोकी। कौन सी आबादी? आबादी रुकी। अब मुद्दा बीजेपी, उस मुद्दे एक मिनट, आप कमाता था 10 कमा। आराम से आराम से, इधर आ जाओ, जरा विषय बात हो रही है, महंगाई विषय बात कीजिए जी। जब एक कमाता 10 खाते थे। अच्छा, समझ गए। और कितनी जॉब से आए, कितनी जॉब निकल रही है? जॉब हाँ, इसका जवाब दे दो, कितनी नौकरी? मैं जवाब दे रहा हूँ। इधर हो क्या, इधर हो करते हो ऐसे घूम? मेरा बिजनेस है काय का, वुड एंड हैंडीक्राफ्ट का, लैंड का। कितने पर कमाते हो? 2 साल से बिजनेस खत्म है मेरा। कितना कमाते हो? मैं कितना भी कहता हूँ, मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा कीजिए मेरे से। कितना कमाते हो? मैं 10 रुपए कमाता हूँ। 6 रुपए कमाते हो? 800 रुपए ट्री वाला लेके जाता है, तो वो नहीं कमा रहे। रुको, तुम्हारे 800 रुपए लेके जाता है, 800 रुपए लेके जाता है। टमाटर 120 रुपए किलो, सिलेंडर 1200 रुपए का। 800 रुपए में क्या था? 500 रुपए में कमाता था वो पहले, रोज डेली 500 रुपए कमाता था। 5 रुपए किलो टमाटर, 420 रुपए सिलेंडर, जो सब्सिडी हुआ बस आदमी को, तो क्या सिलेंडर लेना बंद कर? भीड़ हो गई और लोगों ने बात भी अपनी अच्छी तरीके से रखी। आपको खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।